हे गाइस, मैं हूं तुषार साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास में 2022 मॉडल महिंद्रा बोलेरो B6 वेरिएंट गाड़ी और इस गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम अभी हम लोग चेंज करने वाले हैं, लगाने वाले हैं भाई 9 इंच का फुल टच एंड्रॉयड सिस्टम। तो वीडियो में बने रहिए आप मेरे साथ। सो गाइस, अभी हमारे पास में महिंद्रा बोलेरो B6 वेरिएंट गाड़ी है और यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग 9 इंच का फुल टच एंड्रॉयड सिस्टम। यहाँ आप देख सकते हैं भाई हमारे पास में है ब्लॉकबस्टर सीरीज का 103 प्लस वेरिएंट, जो कि 2+32 GB के स्टोरेज के साथ में आता है। एंड्रॉयड 10 वर्जन है, 9 इंच है और 1 ईयर की कंपनी इसमें वारंटी भी देती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये यहाँ पर लगा दिया गया है। चलिए इसके स्पेसिफिकेशन की जानकारी लेते हैं हम लोग। गाइस, हमारे पास में यहाँ पर ब्लॉकबस्टर का 103 मॉडल है, 9 इंच का टच एंड्रॉयड है, TTL प्रोसेसर और 2+32 GB वेरिएंट के साथ में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बात करेंगे इसे इंस्टॉल कैसे किया जाए। तो ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का है ये फ्रेम होता है, इस फ्रेम के अंदर इस डिस्प्ले को लगा के पूरा फ्रेम यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल किया। यहाँ देखिए कर्व्ड सेव है, तो यहाँ पर AC की जो एयर है वो यहाँ से आपके डायरेक्ट जो है फ्रंट फेसिंग में आ जाती है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं। हाँ, एक ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखिए ये जो है ना AC के कंट्रोल बटन, ये डिस्प्ले लगाने के बाद छुप जाता है, लेकिन भाई आप उसको नीचे से इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए इजीली ये मूव कर रहा है। AC का जो बटन है बार बार हमें यूज़ नहीं करना रहता, लेकिन यहाँ देखिए इसको आप नीचे से हाथ डाल के इस तरीके से कर सकते हैं। ये जो फ्रेम है ना, एकदम बेस्ट फ्रेम है। आप इसको अगर ऑफ रोडिंग भी करते हैं तो ये अपनी जगह से निकलता नहीं है, और ये इसकी खास बात है। तो आप 9 इंच का एंड्रॉयड लगवा रहे हैं तो इसी फ्रेम में लगवाइए। अभी हम बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ देखिए माइक लगा हुआ है, रीसेट बटन, होम बटन, वॉल्यूम अप डाउन बटन, कैप्टो टच में कॉर्नर्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास से कवर है तो स्क्रीन का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ब्लॉकबस्टर के बीच में बैजिंग आपको यहाँ पर दी गई है। 9 इंच का फुल कैप्टो टच स्क्रीन है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तुरंत रिस्पॉन्स करता है। देखो मैं आपको बताऊँ, उसका जो टच है ना बहुत स्मूथ है भाई। जैसे ही आप करेंगे ना यहाँ पर टच करेंगे, तुरंत तुरंत ही रिस्पॉन्स करता है। तो ये कैप्टिव टच इसका बहुत बढ़िया है। इसके अलावा 2 GB रैम और 32 GB रोम के साथ में आता है। समय पहले चेक करेंगे इसका इक्वलाइजर। तो ये इक्वलाइजर इसका बहुत शानदार है। आपकी गाड़ी के अंदर कंपनी के स्पीकर्स डले हुए हैं, निपॉन के, फ्रंट साइड में 4 इंच के और बैक साइड में 6 इंच के। तो आप इस इक्वलाइजर के थ्रू ऑडियो जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो पेन ड्राइव के 2 स्लॉट आपको इसमें मिल जाते हैं, तो पेन ड्राइव लगा के आप कोई भी अपना जो है फाइल वगैरह चेक कर सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं, गाने बजा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे प्री इंस्टॉल सारी एप्लीकेशन इसमें कंपनी ने ऑलरेडी दी है। आप देख सकते हैं FM रेडियो भी इसके अंदर दिया गया। फ्रिक्वेंसी आप डाल के अपना जो भी बेस्ट फ्रिक्वेंसी पे आप रेडियो सुनते हैं वो आप सुन सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें भाई, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है GPS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वाईफाई भी है इसके अंदर, तो आप इंटरनेट कनेक्टिविटी आप ले सकते हैं। जिस तरीके से आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हैं सेम एज इट इज़, वैसे ही आप इस डिस्प्ले को वर्क कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूज़िक प्लेयर दिया गया है, तो प्रीलोडेड म्यूज़िक प्लेयर भी है। ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी लीजिए और चालू कर लीजिए, पेन ड्राइव लगा के गाने सुन लीजिए। तो ये चीज़ आपको ये ब्लॉकबस्टर के एंड्रॉयड में ऑफर हो जाती है। GPS दिया गया है, तो गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ऑफलाइन है, आपको ऑनलाइन होना पड़ेगा, उसके लिए वाईफाई से इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी होगी। मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कीजिए, वाईफाई से कनेक्ट हो जाइए और इंटरनेट इसके अंदर लॉगिन हो जाता है। फिर आप GPS के थ्रू भाई गूगल मैप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। स्टीयरिंग कंट्रोल कैपेबल है, यहाँ पर अगर स्टीयरिंग कंट्रोल बटन्स आप लगाना चाहते हैं तो इसके साथ में इसका अटैचमेंट हो जाता है, ये बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा रिवर्स पार्किंग कैमरा का अटैचमेंट, 4 स्पीकर्स का अटैचमेंट, रेडियो एंटीना का अटैचमेंट इसके साथ में हो जाता है। इसके अलावा इन फ्यूचर का भी 360 डिग्री कैमरा आपको लगाना है तो वो भी इसके साथ में सपोर्ट रहता है। यहाँ देखेंगे यूट्यूब, तो यूट्यूब से आप मूवीज़ वगैरह, गाने वगैरह प्ले करना चाहते हैं तो फुल SDK 1080p का फुल हाई रिजोल्यूशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। कार सेटिंग के साथ साथ एंड्रॉयड सेटिंग्स भी आपको मिलती है, तो जनरल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले की सेटिंग मिल जाएगी और सिस्टम सेटिंग्स के अंदर में भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये सब में अच्छी बात है इस डिस्प्ले की। कैप्टू टच इसका मुझे काफ़ी बढ़िया लगा है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है। अब इसमें कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स वगैरह आप अपनी पसंद की जो भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस कमांड के थ्रू आप इससे बात कर सकते हैं। और यहाँ हम बात करें भाई, तो इसके अंदर है ना आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लीजिए, हैंड फ्री कॉलिंग फैसिलिटी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल आया रिसीव कर लीजिए। इनबिल्ट इसके अंदर माइक लगा हुआ, एक्सटर्नल माइक भी इसके साथ में अटैच किया जा सकता है और ये साथ में मिलता भी है।
अब हम बात करें भाई, ये जो डिस्प्ले है ना काफ़ी अट्रैक्टिव है। कंपनी आपको B6 वेरिएंट के अंदर कैनवुड का सिंगल डिन ब्लूटूथ सिस्टम देती है, लेकिन उसमें आप वीडियो वगैरह प्ले नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे आपको मैं वीडियो की क्वालिटी दिखाऊँ तो यहाँ देखिए, ये ट्रांसफॉर्मर मूवी का बढ़िया सा वीडियो है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है और सब में अच्छी बात है कि इसका जो पैनल है ना बहुत ही बढ़िया है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे बहुत बढ़िया व्यू आपको मिलेगा। साथ ही साथ बीच में जैसे एंड्रॉयड लगने के साथ साथ पीछे के जो पैसेंजर है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इसका रिस्पॉन्स है। तो जो आपको इसमें मिलेगी भाई डिस्प्ले की क्वालिटी वो बड़ी शानदार है। तो ऑनलाइन मूवीज़ आप देखना चाहते हैं मूवी देख लो, यूट्यूब से वीडियो प्ले कर लो, या फिर आपके पास पेन ड्राइव में मूवीज़ रखी है तो वो आप लगा लो। तो आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो बढ़िया ये मूवीज़ वगैरह लगा के देख सकते हैं। तो क्वालिटी है अच्छी है और लैगिंग का कोई इशू नहीं है क्योंकि 2+32 GB वेरियंट है। ये काफ़ी बढ़िया है, TCL फास्ट प्रोसेसर है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हम बात करें तो भाई इसके अंदर अभी एंड्रॉयड 11 का भी सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स गियर डालिए और ये जो कैमरा पीछे का लगा उसका व्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा ग्रिड लाइन के साथ में, हटा गया काफ़ी बढ़िया। तो रिवर्स गियर मैंने यहाँ पर डाल दिया है और इसको हटाएंगे तो वापस से ये वर्क करने लगेगा। तो ये हमारा एंड्रॉयड सिस्टम है। अब आप इसके साउंड टेस्ट सुनिए। आपने देखा साउंड क्वालिटी भी बढ़िया है। ये एंड्रॉइड यदि आपको पसंद आ रहा है चाहिए तो बिल्कुल हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, जैसे हम आपको होम डिलीवर करा देंगे। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।